गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के घुकना इलाके में बीते 23 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने शोरूम बंद करने के बाद कैश गिन रहे कैशियर से हथियारों के बल पर 30 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना शोरूम के मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस की 8 टीमें लूट की वारदात को खोलने में लगी थी। आखिरकार पुलिस ने इस लूट में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके कब्जे से लूट के 23 लाख रुपए, अवैध असला और बाइक बरामद हुई है। ये 23 तारीख की रात्रि को सियानी गेट पुलिस को सूचना मिली कि एक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम कम गोडाउन में तमंचे के बल पर लगभग 30 लाख रुपए की एक लूट हो गई है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने सर्विलेंस की, सीसीटीवी फुटेज की एवं मैनुअल इंटेलिजेंस की टीमें बना दी थी। कल देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर हमको राम चमेली चड्ढा स्कूल के पास जो चौराहा है वहाँ पर हमें संदिग्ध 3 लड़के दिखाई दिए थे। जब हमने इनकी विस्तृत पूछताछ करी तो पता लगा कि यही लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे। इनके पास से हमको 22 लाख रुपया, 4 किलो गांजा, 2 तमंचे, 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। और इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनका 2 महीने से पहले ही इसका लूट करने का प्लान था। किस तरह से ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया, सीक्वेंस किस तरह उसको बता दीजिए। देखिए, इन लोगों ने प्लान करा था ये इस लूट के पैसे के बाद ये गांजा खरीद के उसकी तस्करी करने का प्लान था। इसमें आकाश नामक व्यक्ति जो कि लूट में इन्वॉल्व थे, इनके भाई टिंकू जो हैं वो बस अड्डे पर खड़े हुए थे, 1 लाख रुपये उनके पास से बरामद हुआ है। इन लोगों ने पहले तो इस घटना को 22 तारीख को भी आके प्रयास करा था और जिसमें कि जो कुंडी थी वो अंदर से बंद थी, जिस वजह से घटना पारित नहीं कर पाए। संतोष नेपाली जो है ये पुराने इनके यहाँ नौकर है, जिसने ये प्लान बनाया था कि आप दोनों आकाश और प्रिंस के साथ मिलकर ये घटना कारित करने वाले थे। और उसके बाद इन्होंने जब ये प्लान बनाया, इन लोगों ने ये घटना को कारित करके 23 लाख रुपए इन्होंने लूट लिए। इन्होंने पहले तो संतोष नेपाली जो अंदर पहले से ही मौजूद थे, इन्होंने कहा था कि तुम दोनों आना और मुझे गन पॉइंट पे हॉस्टेज करके, जो योगेश शर्मा मैनेजर है उनसे वॉल्ट से खुलवा के जितना ही पैसा उसको लूट लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से रफू चंपत हो जाएंगे। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं मिली है, लेकिन इन लोग में जो प्रिंस जाटव नाम के व्यक्ति हैं, इनका यहाँ पे एक मकान है जिसपे की लोन चल रहा है, और जो संतोष नेपाली है इनके यहाँ पहले से नौकरी करते हैं। तो इन लोगों ने आपस में प्लान बनाया कि इनकी तनख्वाह भी कम है, उन्होंने बताया कि मुझे मकान का लोन भी करना है। तो इन लोगों ने आकाश को साथ मिला के 3 लोगों ने प्लान बनाया और बाद में इन लोगों ने घटना करने के बाद इन लोगों ने तुरंत ही जो बाइक थी उसको उन्होंने मॉडिफाई करवाया, उसकी सीट कवर बदला है, उसमें आगे स्टिकर्स लगवाए हैं ताकि इनको पकड़ा ना जा सके। देखिए, लूट के बाद इन्होंने जितना भी पैसा था उससे गांजा भी खरीदा था कुछ, और ये गांजे की तस्करी करके इनका नेपाल भागने का प्लान था। देखिए, डीजीपी सर ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं एवं कमिश्नर सर की तरफ से 50,000 का टीम को इनाम घोषित करा गया। 7 साल से जो कर्मचारी शोरूम में काम कर रहा था उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गाजियाबाद निवासी हरसिमरन सलूजा का थाना सिहानी गेट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक का एक शोरूम है। 7 साल से संतोष काम कर रहा था। पैसों के लेन देन की सारी जानकारी संतोष के पास थी, जिसके बाद संतोष ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिलाया। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया और घटना का खुलासा कर दिया है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।